नमस्कार दोस्तों, आज के लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने ये चैनल अपनी हॉबी को परस्यू करने के लिए तो बनाया था, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो माउथ ऑर्गन की स्वर लहरी को सुनकर, किसी अच्छे कलाकार के द्वारा बजाया हुआ कोई गीत सुनकर माउथ ऑर्गन बजाना तो चाहते हैं, उनके मन में संगीत के प्रति प्रेम भी है, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई दिशा नहीं मिलती कि कहाँ से शुरू करें, और वो थोड़े दिन फूंक मारने के बाद माउथ ऑर्गन फ्रस्ट्रेट होकर रख देते, बजा नहीं पाते। तो ऐसे बिगिनर्स के लिए मैंने ये लेसन्स बनाने की कोशिश की है, और अब धीरे धीरे संगीत के सफ़र पे चलते चलते, और आप लोगों की बहुत सारी कठिन गीतों की फरमाइश पूरा करने के चक्कर में मैं ऐसे गीत भी ले लिए हैं मैंने, जो काफ़ी मुश्किल हैं और बिगिनर्स उनको बजा नहीं सकते। तो चलिए, आज के इस लेसन में मैं वापस स्पेशली बिगिनर्स के लिए, जो लोग शुरुआत में माउथ ऑर्गन का सरगम बजाना सीख गए हैं, उनके लिए एक आसान सा गीत, जो बजाना तो आसान है लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा एक चिल्ड्रन सॉन्ग फिल्म मासूम से, बहुत ही पॉपुलर, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। इसको आप जो चिल्ड्रन सॉन्ग होते हैं वो जनरली बहुत आसान नोट्स पे कंपोज किए जाते हैं, जिनको बच्चे भी आसानी से गा सके, उनमें बहुत ज़्यादा सुरों का उतार चढ़ाव नहीं होता। तो जैसे मैं शुरू में कहता हूँ कि अगर आप सरगम बजाना सीख जाते हैं तो सबके मन में इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी अच्छे अच्छे गाने बजाएं, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। जो लोग आज बजा रहे हैं वो कई सालों की मेहनत के बाद बजा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ही आप प्रैक्टिस करके सीखेंगे। तो शुरू में आपको मेरे ख्याल से नर्सरी राइम्स, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा ब्लैक शीप, इस तरह के गीत लेने चाहिए, और जब वो आप बजाएंगे तो आपके मन में और उत्साह जगेगा। तो इस तरह से ये गीत भी एक सिंपल सा गीत है, और इसको आप अगर आपके पास 10 होल का डाइटोनिक है उस पर भी बजा सकते हैं, अगर आपके पास ट्रिमेलो है 24 होल का उस पर भी बजा सकते हैं, और अगर आपके पास क्रोमेटिक है तब तो बजा ही सकते हैं। तो बस एक लाइन में बजा कर दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद हम लोग इसको सीखना शुरू करते हैं। तो इस तरह का गीत है, और पहले मुखड़े के दो लाइन से गाना शुरू होता है। पहली लाइन, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, इसको हम लोग बिल्कुल सी नोट से शुरू कर रहे हैं, सी की हारमोनिका पे, सा सा रे ग प ग रे, सा सा रे ग प ग रे। फिर अगला, काठी पे घोड़ा, लकड़ी की काठी सारे ग पागरे, सा सारे ग पागरे, सारे ग पागरे। ये पहली लाइन। अगली लाइन, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, सारे ग पागरे, सारे ग पापा, सारे ग प ग रे, सारे ग प प। उसके आगे बस ये दो लाइन शुरू में बच होती है, उसके बाद बीट्स के पहले और रिदम शुरू नहीं होता, और उसके बाद थोड़ा सा म्यूजिक है वहाँ पे, इंट्रो म्यूजिक टाइप का, वो थोड़ा सा हम लोग बजाते हैं। ये पहली लाइन, पसानी धपा धपा मा गग मा पधा, पसानी, पसा आपको फास्ट बजाना है इस तरह से,
सानी धप धप मा ग मा प धा अगली लाइन नी ध प म ग म प नी ध प म ग म प उसके आगे माधा 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 प ध प माधा 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 प ध प माधा 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 प ध प ध प म ग ग म म प यहाँ तक इंट्रो म्यूजिक बजाइए और उसके बाद मुखड़ा रिपीट होगा, पूरा मुखड़ा बजेगा। लकड़ी की काठी सा सा रे ग पा ग रे काठी पे घोड़ा सा रे ग पा ग रे घोड़े की दुम पे जो सारे ग पा ग रे मारा हथौड़ा सारे ग पा प दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा धा 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 पापा मामा ग गरे रे सासा धा 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 पापा मामा ग गरे रे सासा। ये हो गया इसका स्थाई और उसके बाद इंटरल्यूड पहला। सा मा मा पा पा मा पा मा मा पा मा पा मा पा मा सा मा मा पा मा मा पा मा पा मा पा मा फास्ट बजाना है, पहले स्लो करके आपको बताता हूं। इसको आप फास्ट इस तरह से रे पा प ध प प ध प ध प रे पा प ध प प ध प ध प उसके आगे रे सा नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग ग म प ये हो गया इसका म्यूजिक इंटरल्यूड का फर्स्ट और इसके बाद अंतरा। घोड़ा पहुंचा चौक में पापा पापा पा, पानी धा 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 पापा पानी धा 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 चौक में था नाई पा पा पानी धा धा पा पा पानी धा धा घोड़े जी की नाई ने घोड़े जी की नाई ने पा 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 सानी धा धा पा 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 सानी धा धा हजामत जो बनाई धा पा पा ग मा पा पा धा पा पा ग मा पा पा उसके आगे एक कुछ उस तरह से बजता है तकबक तकबक
तकबक तकबक। ये आप चाहें तो बजाएं या अपने आप ट्राई करके जो आपको सूट करता है, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। और इसके बाद एक बार फिर से ये अंतरा नोटेशंस रिपीट होंगे और लास्ट में दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, धा 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 पापा मामा गरे रे सासा, फिर लकड़ी की काठी। तो ये हो गया शुरुआत का स्थाई, थोड़ा सा इंट्रो म्यूजिक, थोड़ा इसके आगे का अंतरा के बीच का इंटरल्यूड, पहला अंतरा। और अब दूसरा अंतरा मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद बजाइएगा, लेकिन उसके फर्स्ट इंटरल्यूड और सेकंड इंटरल्यूड में थोड़ा म्यूजिक में काफ़ी फर्क है। तो वो मैं आपको सेकंड इंटरल्यूड का म्यूजिक सिर्फ पार्ट दे रहा हूँ, अंतरा फिर नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आप अपने लिए भी होमवर्क की तरह लीजिए। और चलिए, म्यूजिक पार्ट जो है वो सिंपल सा है लेकिन अच्छा है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। गरे सानी सारे ग, या नी लोअर ऑक्टेव पे, सारे के सारे इसमें शुद्ध स्वर हैं, कहीं पे आपको स्लाइडर की जरूरत नहीं है। गरे सानी सारे ग, गरे सानी सारे सा, ये 2 बार बजेगा। उसके आगे थोड़ा सा मैं पहले स्लो करके बजाता हूं आपको। पधा पधा पाग धपा धपा धामा, पधा पधा पाग धपा धपा धामा, सानी धप गमा पा। यहाँ से फिर आप दूसरा अंतरा उठाइएगा। और चलिए, बस इतना ही है ये गीत। और मैं एक बार आपको इसका अंतरा एक बार बजाकर दिखा देता हूँ। तो बस गीत यहीं पे ख़त्म करता हूँ आज का लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगले लेसन में फिर से मिलता हूँ। ये सिंपल सा गीत आप बजाइए, बहुत खूबसूरत गीत है। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।